अपनी आवाज से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर का आज निधन हो गया है। पिछले 29 दिन से वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। 8 जनवरी को लता मंगेशकर को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। लता जी के निधन के बाद देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 6 फरवरी से 9 फरवरी राजकीय शोक रहेगा, जबकि 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तिरंगा आधा झुका रहेगा। वही स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वे शाम 4 बजे मुंबई पहुंचेंगे। बता दें कि स्वर कोकिला के निधन से भारतीय संगीत जगत में एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने गाए।